हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हेटरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। आज हम उसमें पढ़ेंगे फिशर इंडोल सिंथेसिस। उसके स्टार्टिंग मटेरियल क्या होते हैं? फिनाइल हाइड्रोजन और कीटोन। फिनाइल हाइड्रोजन NH2, साथ में है स्टार्टिंग मटेरियल में होता है कीटोन एसिडिक कंडीशन में H+, और हीटिंग दी हुई होगी, उसमें से बनेगा इंडोल। NH मिथाइल और यहाँ पे R ग्रुप। देखते हैं हम इसकी सिंथेसिस, सॉरी मैकेनिज्म। एसिडिक कंडीशन में फिनाइल हाइड्रोजन और कीटोन रिएक्शन करेगा, तो इसमें से क्या होगा? पहले तो Ca3R। एसिडिक कंडीशन में यहाँ से H2 और यहाँ से O, ओरल क्या रिमूव होगा इसमें से? वाटर मॉलिक्यूल, और बनेगा N डबल बॉन्ड C, NH डबल बॉन्ड C। यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप और ये R ग्रुप H3। देखिए C डबल बॉन्ड N को हम क्या बोलते हैं? इमीन और इनेमाइन, वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कैसे हो गए? तो यहाँ पे होगा एक H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? नाइट्रोजन। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लेगा, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ से क्या जुड़ा है? H+, तो H+ यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो बनेगा कुछ ऐसा NH। ये मिथाइल ग्रुप, ये R, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। इसको हम कहते हैं इनेमाइन। हम क्यों बोलते हैं? डबल बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं? इन, और पास वाली पोजीशन पे है अमाइन, इसलिए हम बोलते हैं इन प्लस अमाइन, इसलिए बोलते हैं हम इसको इनेमाइन। देखिए अभी रिएक्शन कंडीशन में क्या है? हीटिंग कंडीशन। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगी 3-3 सिग्माटोपिक रिएक्शन। कैसे होगी? तो देखो यहाँ पे पहले इस डबल बॉन्ड की पास वाली पोजीशन पे हम 1 नंबर देंगे, फिर डबल बॉन्ड कंप्लीट करेंगे 2 एंड 3। 1 की एडजेसेंट पोजीशन को 1 नंबर, 2 और 3। याद रखना 3-3 सिग्माटोपिक की एक ट्रिक है, क्या है वो यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक। ऑलवेज 1-1 बॉन्ड ब्रेक, 1-2 बॉन्ड डबल बॉन्ड, एंड 3-3 अटैच। तो देखो पहले क्या होगा, ये 1-1 बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी, और ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे, तो बनेगा कुछ ऐसा। यहाँ पे ये बॉन्ड वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे NH R। देखो क्या हुआ, अब ए बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। फिर क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अटैक किया, तो एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई, क्या? यहाँ पे रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, तो क्या होगा? यहाँ पे एक H होगा, एरोमेटिसिटी एंटर करने के लिए H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे H+
रिलीज हो रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो बनेगा कुछ ऐसा। वो रिंग में एरोमेटिसिटी एंटर हो गई, यहाँ पे बन गया NH2। ये R ग्रुप डबल बॉन्ड NH और ये मिथाइल ग्रुप। लेकिन हम रिएक्शन किस कंडीशन में कर रहे हैं, एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास H चला जाएगा और बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे R NH2 मिथाइल डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब देखो जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे 2। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर देंगे। देखो बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे NH2 ये बन गया हमारा, ये NH2, ये मिथाइल ग्रुप और ये R ग्रुप। नाइट्रोजन ने लोन पे यहाँ पे डोनेट कर दी तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, रिमूव होगा यहाँ से H+। जैसे ही यहाँ से H+ निकलेगा वो कहाँ जाएगा, फिर से NH2 पे, और वो बन जाएगा NH3+। NH यहाँ बन गया NH3+, ये मिथाइल ग्रुप, ये R ग्रुप। देखो अभी एमोनिया इज अ लिविंग ग्रुप, कैसे दूर होगा, यहाँ पे H होगा, H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और एमोनिया ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा, माइनस NH3 माइनस H+, और बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे R और ये बेंजीनिंग, इसको हम बोलते हैं इंडोल। Okay.